नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनियन सीड की खेती के बारे में, यानी कि प्याज के बीज की खेती के बारे में। इसके बारे में हमसे पूछा था कानूडो जी ने, जिन्होंने हमें मैसेज किया कि ऑनियन सीड के ऊपर वीडियो बनाइए। आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ऑनियन सीड की खेती बहुत अच्छी होती है और बहुत मोटा मुनाफा इसके अंदर होता है। इस खेती के बारे में बताऊं इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि रेड 3 और रेड 4 ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किस्में हैं प्याज की। बाकी आपका जो दिल करे वो किस्म आप उगा सकते हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से खेत को तैयार करना है। खेत को जोतने के बाद आपको बेड बनाने हैं अगर आप बनाना चाहते हैं, मेड बनानी है अगर आप बनाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में से कुछ ना कुछ बनाना होगा, क्योंकि हमारी शर्त यह है कि पानी ठहरे नहीं। और पानी ठहरे नहीं इसलिए या तो बेड बनाइए या फिर आप मेड बनाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी किस्म का प्याज आप बोना चाहते हैं वो प्याज लेना है। अच्छा प्याज हो, पूरा हेल्दी प्याज हो, गला सड़ा ना हो, दो प्याज इकट्ठे जुड़े हुए ना हो, अच्छे गोल गोल प्याज लेने हैं। और उसके बाद में ऊपर का जो हिस्सा है प्याज का, इसे आपको काट देना है। 25% हिस्सा प्याज का आपको काट देना है। इसके बाद में जो कटा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर और बाकी को नीचे लगाकर आपको इसको लगा देना है खेत के अंदर। और खेत के अंदर लगाते वक्त आपको जो डिस्टेंस रखना है वो फुट बाई फुट का डिस्टेंस रखना है एक प्याज से दूसरे प्याज के बीच में। यानी प्याज से ऐसा डिस्टेंस भी फुट का हो, एक फुट का, और ऐसा डिस्टेंस भी एक फुट का हो। हमने प्याज को काटा क्यों है, ताकि इसमें से ज़्यादा वो पाइपें से निकले, यानी पौधे की जो पनखुड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, ताकि उसके ऊपर फिर एक जो पाइप से निकलती है इसी के ऊपर फ्रूट लगता है, वो फूल लगता है, तो उसी फूल के अंदर सीड बनता है और हमें सीड ही बनाना है, वही हमारी कमाई है। तो हमें इसीलिए इसको काट रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उसके जो है फूल लगे। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको इसे लगाने के बाद में जो सिंचाई की बात है वो ऐसी है कि आपको इसकी सिंचाई नवंबर के महीने में लगाएंगे और मार्च के महीने में हार्वेस्ट करेंगे, तो इन 5 महीनों के अंदर आपको 10 से 15 बार सिंचाई करनी है। और जब तक इसके ऊपर फूल ना आए तब तक आप कोशिश कीजिए फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करने की, और जब इसके ऊपर फूल आ जाए तो इसको फ्लड इरिगेशन के थ्रू पानी देना है। जब भी आपको लगे कि पौधे को पानी की आवश्यकता है तभी पानी देना है, अन्यथा ज़्यादा पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी दोगे फंगस की दिक्कत आएगी, नीचे से प्याज जो है वो गल जाएगा, पौधा ऊपर से नीचे गिर जाएगा, हमारा सीड का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर आएंगी बीमारियां। क्या आएंगी, एक तो जो ये पाइप सी होती है जो प्याज की, इसको प्लांट बोल दीजिए, पाइप बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए, ये सफ़ेद होने लगती है बीच में से। जब सफ़ेद होनी शुरू हो जाए समझ लीजिए गिर जाएगी, यानी पौधा खराब हो जाएगा। और दूसरा, जो फूल होते हैं इनके अंदर ड्रॉपिंग की समस्या कई बार आती है, ज़्यादातर नहीं आती। उसके बाद में एक दिक्कत और आती है, वो दिक्कत क्या कि कुछ लोग जब ये बीमारियां लगती हैं इनके इलाज के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो मधुमक्खियों को और तितलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका जो यील्ड है वो आधा हो जाएगा, आपकी कमाई आधी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो पोलिनेशन है, जो सीड बनना है फूल से बीज तक का जो सफर है, वो सफर आपको जो तय करवाएगा वो मधुमक्खी ही होगी, क्योंकि मधुमक्खी ही एक से दूसरे पे पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएगी। इसीलिए आप कोई ऐसे केमिकल मत छिड़किएगा जिनके अंदर गंदी बदबू हो या जो मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते हों। तो ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां इसके ऊपर हों, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, तभी आपका जो प्रॉपर जो है फ्लावर वो बन पाएगा। अब रही बात कि सीड हो कितना जाता है, तो इसकी जो है जब ये फूल पूरे पक जाएंगे तब इनको काटना रहेगा और उसके बाद में से उनमें से सीड निकालना है। और सीड का क्या रेट होता है, तो सीड इसका लगभग 800 रुपये 1000 रुपये प्रति किलो बिक जाता है। और एक एकड़ के अंदर लगभग 300 किलो से कम से कम 300 किलो, वैसे 400 से 500 किलो, यानी 4 क्विंटल से 5 क्विंटल तक एक एकड़ में निकल जाता है। अगर मान लीजिए 4 से 5 क्विंटल निकलता है, हम मानते हैं 3 क्विंटल निकलेगा। अगर 3 क्विंटल भी निकलता है, 800 रुपये से 1000 रुपये बिकता है, हम मानते हैं भाई 500 रुपये ही बिकेगा प्रति किलो, तो भी आपका 1.5 लाख रुपये का माल जो है एक एकड़ के अंदर तैयार हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम।
वैसे किसान जो है 5-5 क्विंटल तक एक एकड़ में बीज भी निकाल देते हैं और उसे 800 रुपये प्रति केजी यानी 80,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बेच भी लेते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं 50,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचेंगे और जो है 300 किलो बीज हम यानी कि जो है 3 क्विंटल जो बीज है वो मिनिमम से मिनिमम हम निकाल पाएंगे। तो इस हिसाब से अच्छी कमाई है। और वैसे ज़्यादातर किसानों के जो रिव्यू मैंने देखे और सुने हैं उनके मुताबिक यही बताया जाता है कि ओनियन सीड जो है इसको बस एक ही चीज़ की मार है जो अगर ना पड़े तो किसानों को मालामाल कर देता है ये। और वो मार कौन सी है? वो है प्राकृतिक प्रकोप। एकदम फूल लगे हुए हैं, बारिश हो गई, फूल लगे हुए हैं, ओलावृष्टि हो गई, ऐसे के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। पके हुए फूल, जोरदार तूफान आ गया, ऐसे के अंदर नुकसान हो सकता है। वरना ओनियन सीड की जो फसल है यह आपके लिए मुनाफे का घर है, यानी आपको मुनाफा ही देकर जाएगी। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको जिन भी फसलों के बारे में बताता हूं, आप कोशिश कीजिए उन खेतियों को करने वाले किसानों से आप संपर्क कर सकें और उसके बाद उन खेतियों को कीजिए। जैसे ओनियन सीड के अंदर कई कंपनियां भी काम करती हैं, किसी कंपनी का नाम लूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा, नाम की जरूरत नहीं है। आप देखिए और अलग अलग प्रकार की कंपनियां जो हैं उनसे भी आप टाई अप कर सकते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।